सबसे पहले आप सभी को पी न्यूज बिहार की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना और बधाई। ये सनातन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माने जाने वाले छठ पर्व है, जो कि बिहार वासियों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व के द्वारा मनाया जाता है। अभी हम लोग हरसिद्धि में मौजूद हैं, ये पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि है और यहाँ पे छठ पूजा को लेकर बहुत अधिक यहाँ पे तैयारी की जा रही है और यहाँ पे पूरा पंडाल सजा हुआ है। हम लोग अंदर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे छठ जो पूजा होता है, छठी माई का जो स्वरूप बनाया जाता है ईटा को जोड़कर, किस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और कुछ यहाँ के कमेटी के लोग होंगे, उन लोग से बात किया जाएगा इस साल इस पूजा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि हम लोग अंदर आ रहे हैं, ये पंडाल है, बहुत ही अच्छा पंडाल को सजाया जा रहा है। ये हरसिद्धि पकड़िया पंचायत में पड़ता है और हरसिद्धि के मेन मार्केट में यह छठ पूजा मनाया जाता है। हर साल यहाँ छठ पूजा होता है और बहुत अच्छे यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। हालांकि ये पहले ईंट यहाँ पे नहीं बिछाया गया था और इस साल ईंट यहाँ पे बिछा दिया गया है और बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेंटिंग का पूरा काम हो चुका है। और कुछ लोग हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। यहाँ पे लगभग कितने दिनों से पूजा होता है? बहुत दिनों से हो रहा है। ये हरसिद्धि मार्केट के बीच मार्केट में है। लगभग कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ मतलब 9 वार्ड तक लोग आते हैं। 9 वार्ड का लोग यहाँ आता है? लगभग कितना लोग आता होगा? लगभग 1000 लोग से ज्यादा होंगे। लोग बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर, बहुत जास्ती। मैंने हरसिद्धि का ही फेमस माना जाता है बहुत। मैंने प्रखंड में ऐसा यहाँ पे छठ घाट नहीं है। इसके पहले ही लगभग ईंट नहीं बिछाया गया, बिछाया गया मुखिया जी की तरफ से बिछाया गया है। मुखिया जी के सौजन्य से सब पूरा रंगाई पोताई चाहिए। सब घाट भी जाकर अंदर देख सकते हैं, बहुत मुखिया जी के सौजन्य से हो रहा है सब। क्योंकि जो मुखिया जी हैं हरसिद्धि पकड़िया के, उनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है। हालांकि ईंट यहाँ पे बिछवाया गया है, पहले नहीं था। और पेंटिंग का भी पूरा का पूरा काम यहाँ पे कर लिया गया है। यहाँ पे घाट है, बहुत अच्छा घाट है। आपका नाम क्या हुआ? लाल बाबू यादव। इस साल यहाँ पे छठ पूजा का क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, मुखिया जी के सौजन्य से हो रहा है। अशोक कुमार कुशवाहा के तरफ से हो रहा है। कितना मुखिया आए, कितना गए, मगर हमारे जो अशोक जी काम किए वो कोई नहीं पाए। अच्छा, मतलब अशोक जी तरह कोई अभी काम नहीं किया। और बहुत ही पहले ये पेंटिंग का काम खत्म हो गया। इसके पहले भी हम लोग नहीं बनाए थे, मतलब 2022 में, मतलब आज के दिन तक पेंटिंग ही हो रहा था। आज यहाँ पे पेंटिंग खत्म हो गया है। बहुत जल्दीबाजी में मन मुखिया जी करा रहे हैं इसका काम। बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? संदीप कुमार वर्मा। क्या कहिएगा इस साल के छठ के व्यवस्था के बारे में? बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। मुखिया जी जो है ना, हम वार्ड सदस्य हैं, इसी वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। मैंने मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं। कहाँ कहीं कहीं से लोग आकर देख के ये सब देख के बहुत बड़ाई कर रहा है। जैसा मुखिया मैंने सब पंचायत में होना चाहिए। हर साल कहीं ना कहीं पानी में एक मतलब मूर्ति का निर्माण किया जाता है, छठी मैया का मूर्ति रखा जाता है। इस साल क्या व्यवस्था? नहीं नहीं, मूर्ति रखा गया है, देखिए स्टेट बन गया है, आएगा मूर्ति आएगा कल। मतलब पानी के अंदर स्टेट बना हुआ है, उसमें मतलब छठी मैया का मूर्ति आएगा और रखाएगा रखाएगा। देखिए पानी बहुत कमी हो गया था, लेकिन मुखिया जी के सौजन्य से देखिए सब मिट्टी कटाया है। बहुत खर्चा किए हैं मुखिया जी और बहुत सुंदर घाट बना है, ऐसा घाट कहीं नहीं है। हाँ, यहाँ तक मैं समझिए कि 10-11 वार्ड के आदमी यहाँ पर आता है। लगभग कितना लोग यहाँ पे आता होगा? लमसम 5000 से कम आदमी नहीं आता है यहाँ। 5000 लोग आता है? हाँ, उससे अधिक ही, उससे अधिक, उससे अधिक लोग आता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपको? अनिल कुमार सहनी। हरसिद्धि मार्केट में पूजा होता है, आपका घर कहाँ हुआ? हरसिद्धि वार्ड नंबर 4 में। अच्छा, आप लोग भी यहीं पे आते होंगे? बिल्कुल यहीं पे आते हैं। लगभग कितना लोग यहाँ आता होगा? 5 से 10 हजार के बीच यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। 10 हजार लोग आता है? व्यवस्था किस तरह से होता है? व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहता है। सब लोग यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनका भी सहयोग रहता है, या जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका भी सहयोग रहता है। सबके सौजन्य से प्रत्येक वर्ष यहाँ साफ सफाई होती है और घाट को सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है, सब लोग इसे खुश रहते हैं। मतलब 5000 से 10000 के बीच में लोग आता है, कहीं ना कहीं बहुत अधिक भीड़ यहाँ पे होता होगा। हरसिद्धि थाना अंतर्गत हरसिद्धि मार्केट में ही हो रहा है। हरसिद्धि प्रशासन का क्या यहाँ व्यवस्था रहता है? प्रशासन भी अपना यहाँ पर ड्यूटी निभाता है। प्रशासन के जो भी मतलब आदमी है चारों ओर तैनात रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का धोखाधड़ी कोई गुंडा फरेबी भी नहीं हो, इसके लिए भी लोग तैनात रहते हैं। ये मतलब अपने स्तर से सब कुछ देखते हैं। हर साल यहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाता है, पानी में सूर्य भगवान का या छठी मैया का मूर्ति रखा जाता है या बनाया जाता है। इस साल क्या व्यवस्था है? मूर्ति बन के तैयार हो गया है, उधर नदी में स्टेज बन रहा है। जब पूजा का समय आएगा तो मूर्ति को उठा कर ले जाकर स्टेज पर स्थापित किया जाएगा और सब लोग उसकी पूजा करते हैं। इनका मूर्ति बनाकर रखा जाता है? सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान का, और साथ में छठी मैया का भी मूर्ति मतलब बनाकर तैयार किया जाता है। छठ पूजा के बारे में क्या कहिएगा जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को? छठ पूजा जो है हिंदुओं का एक महान पर्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी जितने घर के मेंबर हैं, चाहे कहीं भी रहते हों, एक बार घूम के जरूर अपने घर पे आते हैं। 2-4 दिन यहाँ पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। इससे आपसी भाईचारा, प्रेम, स्नेह, ममत्व जो भी है यह बरकरार रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं
लोग बाहर में कमाता है, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाता है, और एक छठ ही ऐसा पर्व है, लोग अपना नौकरी तक छोड़ के बिहार में आ जाता है छठ पर्व पूजा करने के लिए। बहुत आस्था है छठ के प्रति, हम लोग बचपन से ही इसको एक अपने जीवन का एक अंग मानते चले आए हैं, और यह हमें अपने परिवार की ओर खींचता है। परिवार में कम से कम साल में एक बार हमको लोगों से मिलने जुलने का मौका प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग अपनी नौकरी को छोड़कर के भी इस पर्व को मनाने के लिए अपने घर पे बिहार में आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कमेटी के हैं लोग, और इन लोगों ने बताया कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, हालांकि बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और इसको मतलब मनाने के लिए लोग अपना जॉब यानी नौकरी छोड़कर कहीं ना कहीं बिहार और अपने घर आते हैं और छठ पूजा मनाते हैं। हालांकि सारे के सारे पेंटिंग यहाँ पे हो चुका है, और ये यहाँ पे एक दिखाइएगा, यहाँ पे पानी में यहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है, और स्टेज के ऊपर कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का फोटो मतलब मूर्ति बनाया जाता है और रखा जाता है उस पर, और छठी मैया का मूर्ति यहाँ पे रखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये घाट बनाया गया है, और यहाँ पे स्टेज को तैयार किया जा रहा है, और छठ एक ऐसा महान पर्व है जो कि लोग बिहार से मतलब अनेकों राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे एक छठ पर्व ऐसा है कि वहाँ पे अपना नौकरी तक छोड़ के लोग बिहार में आते हैं और छठ पूजा मनाते हैं। हालांकि छठ पूजा चार दिन का होता है, पहला दिन होता है नहाकर खाना, और दूसरे दिन होता है खरना, और तीसरे दिन होता है संजय घाट, और चौथे दिन छठ पूजा समाप्त होता है, हालांकि सुबेरे घाट होता है। इस पर्व छठ पूजा में यही हमको देखने को मिलता है कि हर जगह कहीं ना कहीं जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होता है, और यहाँ पे जिसका अस्त होता है, हालांकि पहले यहाँ पे सूर्य डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, यानी यही हमको सीख देता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी होगा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे छठ घाट को तैयार कर दिया गया है, हालांकि ये जो मुखिया है हरसिद्धि पकड़िया के मुखिया जी के द्वारा ये सारे के सारे काम कराया जा रहा है, और पूरे के पूरे यहाँ पे तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। हालांकि कल छठ पूजा है, कल शाम के घाट यहाँ पे लोग आएगा, और परसों सुबेरे का घाट होगा, सुबह का घाट होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं छठ पूजा समाप्त हो जाएगा, और बिहार के जितने भी सारे लोग होते हैं कहीं ना कहीं इस पूजा को और इस महान पर्व को मनाने के लिए पूरे के पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब छठ पूजा आएगा और हम अपने नौकरी और डिप्टी अनेकों राज्य से छोड़कर बिहार अपने घर आएंगे और अपने समाज और परिवार के साथ छठ पूजा मनाएंगे। अभी हम लोग हरसिद्धि के ये छठ घाट पे मौजूद हैं। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार, और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।